अस्सलाम वालेकुम। मार्केट क्लोजिंग डेटा के साथ मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज बरोज 13 सितंबर जुमेरात ट्रेडिंग का चौथा दिन था, रोलर वीक का चौथा दिन था और आज हमने देखा मार्केट जो है वो पॉजिटिव ओपन भी। जीएसपी प्लस जो स्टेटस बढ़कर आ रहा है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, उसके पेश नज़र मार्केट ने जो है एक पॉजिटिव आगाज लिया और इसके बाद हमने देखा जो है वो मार्केट दोबारा यानी सेलिंग प्रेशर हमने मार्केट में विटनेस की और मार्केट जो है वो 400 पॉइंट नेगेटिव तक गई और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन नेगेटिव ही क्लोज हुई है। मार्केट बेरिश जोन में है अभी भी मार्केट और यानी सेलिंग प्रेशर अभी भी विटनेस हो रहा है। चंद यानी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं उनकी सेलिंग हम विटनेस कर रहे हैं मार्केट में जो कि सेट होती हुई लग रही है। जो अब मार्केट है, मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज में ही है। मार्केट अपने आपको यहाँ से कंसोलिडेट करेगी, पहले अपने आपको पहले प्रॉपर एडजस्ट करेगी मार्केट, इसके बाद जो है वो नया डायरेक्शन बनाएगी और इंशाल्लाह दिसंबर तक अगर हम देखें तो मार्केट एक नया लेवल दिखा सकती है हमें, जो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करना शुरू कर दिए हैं कि मार्केट जो है एक नया लेवल दिखा सकती है यहाँ से। स्टॉक की पोजीशन भी अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड स्टॉक्स हैं। वॉरेन बफेट की एक मशहूर कहावत है कि एक वंडरफुल कंपनी के फेयर को फेयर प्राइस में लेना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि एक फेयर कंपनी को हम वंडरफुल प्राइस में लें, यानी कि एक छोटी कंपनी को हम महंगे दामों लें उससे अच्छा बेटर ये है कि हम जो है वो एक बड़ी कंपनी को अच्छे दामों लें। तो अभी अगर हम देखें तो पी रेशो आप देखें तो 6.52% है, 52 का पी रेशो चल रहा है। आप जो है यहाँ पर इससे कंपैरिजन करें KC100 इंडेक्स के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आप पी रेशियो से अगर उसको कंपेयर करेंगे तो आप जो है उसको डिलीवरी बना सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर का काम होता है पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो सटीक एलिमेंट में, ट्रेडिंग के एलिमेंट में उसका ज़्यादा फोकस होता है जिसकी वजह से वो पैसा गंवा जाता है। तो यहाँ पर आप अच्छा पोर्टफोलियो डिज़ाइन करें और यानी उन स्क्रिप्ट्स को परचेज करें जो वंडरफुल है और अच्छे प्राइसेस में मिल रहे हैं, फेयर प्राइस में आपको मिल रहे हैं। इसका पी रेशियो खाली सिंपल आप जज कर लें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसका ज्यादा है। आप 100 शेयर उठाएं, 200 शेयर उठाएं, 500 शेयर उठाएं, जितनी आपकी कुव्वत है खरीदे और एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन कर लें। 5 से 6 कंपनियों का पोर्टफोलियो अगर आप डिजाइन करेंगे तो इंशाल्लाह जो रैली अभी नेक्स्ट रैली जो बनेगी मार्केट में जो तेजी होगी और उसमें आप बहुत अच्छा रिटर्न लेके जा सकते हैं, एक बहुत अच्छा लुक्रेटिव रिटर्न लेके जा सकते हैं जो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। मार्केट का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाता है जो कि इस मुताबिक है। मार्केट का करंट इंडेक्स 45,296 पर है, मार्केट ने 300 पॉइंट लूज किए हैं। मार्केट की पिछली क्लोजिंग 45,597 पर थी। पी रेशो 6.52 का है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 8.29 का है। अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो 3.52 का है। मार्केट का पहला सपोर्ट 44,798 पर है जबकि दूसरा सपोर्ट 44,264 पर है। मार्केट का रेजिस्टेंस 45,942 पर है जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 46,513 पर है। एडवांसर डिक्लाइनर का डेटा इस मुताबिक है, एबर्ट ने 24 पॉइंट ऐड कराए हैं, इसके बरक्स अगर हम देखें तो हबको ने 102 पॉइंट लूज कराए हैं। ये था मार्केट का करंट डेटा। हमारे चैनल को लाइक करें, ताबानी पंजवानी ग्रुप को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जो लेटेस्ट हमारी वीडियो है आपको बर वक्त मिले। शुक्रिया ताबानी पंजवानी ग्रुप।